खैर मिठो जी लगता जुत्ती नहीं तोड़ छड़ी अच्छा अच्छा बग्गे दी है पट्ठे वढ़ ले नी वढ़ लेने चल सही है। हाँ बच्चे क्या क्या खेल रही है क्या खेल रहे हो हांडी पका रहे हो बिरयानी पक रही है सही है सही है। निका डकन उठाओ अंदर तो कुछ भी नहीं है कौन सी बिरयानी पक रही है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों मैं आमिर गफूर आपको आपके अपने चैनल आमिर गफूर में वेलकम करता हूं। तो दोस्तों अल्लाह ताला की शुक्र करें और फजल के साथ आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है कुछ दिन सुकून से गुजरे थे दो चार दिन बारिशों का मौसम हुआ था तो सुकून से दिन गुजर गए थे। अभी दोपहर का टाइम है मैं नहाने लगा था तो सामने देखा कि मोटर चल रही है तो मैं अभी यहाँ पे आ गया हूँ। मैंने सोचा कि आज जो है ना ये मोटर पे नहाया जाए तो अभी मैं मोटर की तरफ आ गया हूँ यहाँ पे नहाते हैं। साबुन मैं साथ में ले आया हूँ तो बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी वैसे नहा रहे हैं। ओए ओए लड़ना नहीं लड़ना नहीं लड़ना नहीं तो अभी नहाते हैं गर्मी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है पानी काफी ठंडा। काफी चस वाला पानी है यानी बहुत ठंडा पानी है बहुत ज्यादा। और वैसे भी खुले पानी में नहाने का बड़ा मजा आता है अपनी चस है खुले पानी में नहाने की इसलिए मोटर चलती देख के मैं इधर को आ गया मोटर की तरफ। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है बच्चे भी माशाल्लाह से आ गए हैं एंजॉय कर रहे हैं नहा रहे हैं। तो गर्मी वाकई में आज बहुत ज़्यादा थी और मोटर ये कभी कभार चलाते हैं ये वाली मोटर तो आज इन्होंने मोटर भी चला दी बच्चे भी नहा रहे हैं और माशाल्लाह से मैंने भी नहा लिया। तो मैं तो अभी निकलने लगा हूँ साबुन पड़ा है ये ले लेते हैं साथ में। तो मैंने नहा लिया अभी वापस घर को जाने लगा हूँ। तो गांव में आया हुआ है अभी छलियों वाला अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा और लोगों को खेतों के लिए पानी भी लगाना है तो लोगों ने मोटरें काफ़ी ज़्यादा चलाई हुई हैं और साथ में लोग जानवरों को नहला रहे हैं गर्मी इनको भी लगती है। तो अभी फ़िलहाल मैं आ गया हूँ घर में कपड़े वगैरह जो है वो चेंज कर लिए हैं। तो अभी फ़िलहाल आज कहीं इरादा नहीं है जाने का किसी दोस्त के साथ या वैसे कुछ अगर इरादा बन जाए तो कुछ कहा नहीं जाता कोई दोस्त आ जाए उसके साथ जाना पड़ जाए कहीं। तो माशाल्लाह हमदा भाई आए हुए हैं माशाल्लाह से मेरी तरफ तो काफ़ी दिनों के बाद इन्होंने चक्कर लगाया मेरा इरादा था आज इनकी तरफ चक्कर लगाने का टाइम नहीं लगा मेरा तो माशाल्लाह से इन्होंने ही चक्कर लगा दिया। तो माशाल्लाह हमने पानी शानी पी लिया अभी बैठ के कोई गपशप लगा रहे हैं। तो हमदा भाई आए हुए थे मेरी तरफ तो हमने काफ़ी गप्पे शप्पे लगाई हैं ड्राइंग रूम में बैठ के अभी हमारा इरादा बना है कि हम थोड़ा सा बाहर निकलें बाहर बैठ के कहीं गप्पे शप्पे लगाते हैं बाहर को निकलते हैं। तो अभी हम फिलहाल जो है कहीं बाहर निकलने लगे हैं तो चले हमदा भाई चलो जी। तो अभी हम लोग बाहर को निकल आए हैं तो ये काफ़ी यहाँ पे हरियाली हरियाली हर तरफ ये पाक फौज की तरफ से बांधा गया बांधा है हमारे पीछे ये वाला तो हम निकल आए वैसे ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त व्यू है। तो हमदा भाई को असल में हमदा भाई करते हैं काम माशाल्लाह ये लकड़ी वगैरह का वुड वर्किंग का जी सर बस वही हमारा काम है लकड़ी का और वॉलपेपर का काम है जिसमें हमारे पास वेबसाइट है ऑनलाइन ऑर्डर आते हैं तो हम सोच रहे थे कि यार काम तो करते हैं इतना
तो क्यों ना हम भी अमर भाई की तरह एक चैनल बनाएं, और मतलब तो हमदा भाई ने अभी फाइनली एक चैनल बनाना है। मैंने इस कुछ इनका इरादा था, कुछ ही मैंने इनको बोला कि आप अपने चैनल बना लें, लोगों को फ़ायदा हो जाएगा, थोड़ा सा आप लोगों को दिखाओ कि आप किस तरह से काम वगैरह करते हो। तो अभी माशाल्लाह से इन्होंने चैनल बनाना है। राकेश कुमार हैं, हमारी तरफ देख के जो है ना साइड को चले जाते हैं कि कहीं हम जो है ना साइड मार जाएं। सुनाओ। ये एक दोस्त है दर्दी, उसके पास जब भी आया हूँ यहाँ पे ताला ही लगा होता है, मुझे यहाँ पे वो नहीं मिला। बाहर सब्जी वाला आया हुआ है। तो यहाँ पे जो गोबर के लिए बनाया हुआ था वो गिर गया था, तो ये लकड़ियाँ वगैरह भी जो खेतों में चला गई हुई थी। अभी इन लकड़ियों के अलावा ये मिट्टी भी यहाँ से उठानी पड़ेगी, ये भी गिर गई हुई है यहाँ पे। और इस छापर के नीचे ये खुश्क गोबर है, ऊपर जो है ना वो छापर दे दिया हुआ है। अभी अचानक मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो गया हुआ है, बहुत ठंडा लगता है कि बारिश आएगी। और मेरे लिए मसला ये बना हुआ है कि मुझे कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज साइनोफार्म की वो नहीं मिल रही। मैंने हर जगह पता कर लिया मगर वो नहीं अभी मिल रही। मेरी मर्ज़ी है कि वो मिले, दूसरी डोज लगाऊँ तो मैं भी कोई ट्राई करूँ वापस जाने की दुबई। तो अभी सेकंड डोज मिल नहीं रही, लग नहीं रही कहीं पे, तो पता नहीं कब तक मिलती है, कब तक लगती है। अभी तो माशाल्लाह से हवा भी काफ़ी ज़्यादा चलने लग गई है और ठंडी हवा है, लगता है कहीं बारिश हो रही है या वैसे बारिश होने वाली है। मौसम बहुत गर्म था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जो कि अभी माशाल्लाह से हवा भी ठंडी चलने लगी है और मौसम भी ठंडा हो गया। तो ये बेलें हैं माशाल्लाह से, कंडोली हम इसको बोलते हैं पंजाबी में, उर्दू में शायद इसको बोलते हैं तोरी। तो ये माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी हो गई हुई हैं, तो अभी ये कुछ तो ख़राब कर दी हुई हैं बाहर जानवरों ने, मतलब कि ये गीदड़ वगैरह ने, गीद वगैरह ने, और कुछ जो हैं वो अभी बिल्कुल ही छोटी हैं बिल्कुल ही। आप लोगों से इजाज़त चाहने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ताला आपको और मेरा हामी नासर, अल्लाह ताला आपको और मुझे अपने हिस्सों मान में रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।